हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। सारे बच्चे एक बार क्लियर कर दीजिए, मेरी आवाज़ आप तक क्लियर है? आवाज़ हमारी आप सब तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो मुझे बताएं आप लोग, फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने सवाल। क्लियर है आवाज़ वगैरह सब? आ रही है मेरी आवाज़? आ रही ना? फ़ोटो नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं है। आवाज़ आ रही है मेरी आप सबके पास? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है तो स्टार्ट कर लिया जाए। रेडी है सब कुछ? आवाज़ आ रही है? एक बार क्लियर कर दीजिए सारे लोग। चलिए, तो अगर आवाज़ मेरी आप तक पहुंच रही है फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने सवालों का सिलसिला। हम लोग इससे पहले भी कई पार्ट इसके कर चुके हैं, तो आज इस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना? तुरंत वीडियो को आप शेयर कर दो जिससे यहाँ पर मैक्सिमम लोग आ पाएँ, है ना भाई? जल्दी से क्लियर है? हाँ, रजनी, राजीव, यश, भरत, कई लोग आ चुके हैं यहाँ पर, तो लगभग आवाज़ें क्लियर हैं अगर आपने बोला है तो, है ना भाई? तो क्लियर कर दिए सर, आपकी आवाज़ आ रही है? हाँ, चलो फिर आ रही है तो स्टार्ट कर लिया जाए। पहला सवाल आपको लेकर है, आप इसे देख लीजिएगा। बृहस्पति ग्रह पे जो लाल धब्बे होते हैं वो किस चीज़ के सूचक होते हैं? आसान सवाल है। हाँ, आ रही है ना? बृहस्पति ग्रह पे जो लाल धब्बे होते हैं वो किस चीज़ के सूचक होते हैं? गैस के होते हैं, तरल पदार्थ के होते हैं, अशांत बादल होते हैं, या भूमि होते हैं? जल्दी कर जाइए सारे नए पुराने बच्चे, जो भी क्लास में हैं वो ट्राई करते रहेंगे। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। जब भी आपसे बात किया जाए या सवाल किया जाए कि सौरमंडल में ग्रह कितने होते हैं, तो मैं आपसे क्लियर कर चुका हूँ इससे पहले, सौरमंडल में टोटल ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है, जो आप सब जानते हैं। ठीक है भाई, हमारे सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे। 2006 में एक को बाहर कर दिया गया हमारी फैमिली से, जिसका नाम था प्लूटो। इसे 2006 में बाहर कर दिया गया। किससे? ग्रहों की सूची से। तो टोटल मिला के अब हमारे पास जो ग्रह बचे हैं वो कितने हैं? 8 है। और इन्हीं 8 के बारे में हमें देखना है, इन्हीं 8 के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसको दिमाग लगाइए, ट्राई करिए क्या होगा आंसर। आपके सामने लिखा है, जिसको जिसको आ रहा है वो प्रयासरत रहे, और सारे बच्चों को एक एक करके जवाब जरूर देना है। ध्यान से कर जाइए, हो गया ना? सबका आंसर यहाँ पे लगभग आ गया है। चलिए, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। तो लगभग बच्चों के आंसर आ गए हैं। आइए अब आपके उत्तर की बात कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर कर दिया है, है ना? क्या कर दें? अशांत बादल कर दें। चलिए, वेरी गुड। यहाँ पे अगर आपने आंसर कर दिया है, आपका उत्तर अशांत बादल सही है, यानी कि सी, यहाँ पे बोलने वाले बच्चे करेक्ट हैं। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, अगला सवाल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अभियान, समझना, अंतरिक्ष यान भेजा था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून, शनि? किसके लिए भेजा था बेटा? जल्दी प्रयास करिए, बताइए। सबसे बड़े वाले ग्रह की यहाँ पर भी बात करेंगे हम लोग, और ध्यान से आपके कमेंट आने चाहिए। सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए, जो भी बच्चे आ चुके हैं जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, है ना? ये बढ़िया सवाल बनेगा, और उम्मीद करते हैं आप सबको आता होगा, आप सब कर ले जाओगे इसको। बृहस्पति यहाँ पर भी सही जवाब निकल के आएगा। क्या? बृहस्पति। एक सवाल आपके लिए और है, वर्तमान में किस ग्रह के पास मैक्सिमम उपग्रह हैं, यानी कि वर्तमान की अगर हम बात करें, किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, ये आपको बताना है जल्दी से। कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों को आइडिया? शनि, शनि। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर दिया अगर आपने शनि बोला है तो। वर्तमान में शनि ग्रह के बहुत सारे उपग्रह खोजे गए, जिसके आधार पे अब ये नंबर 1 पे हो चुका है, और ये जानकारी आप में से बहुत सारे बच्चों के पास है, होनी भी चाहिए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो यहाँ तक तो आपने क्लियर बोला है, जो भी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं सारे ट्राई करते रहेंगे, क्लियर है? जो भी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं वो सारे ट्राई करते रहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, और उम्मीद करते हैं आप इसे कर ले जाओगे, ठीक है? नेक्स्ट आ जाइए अगला। जी बिल्कुल सही है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? आपका जो मैगलन अभियान था वो किस ग्रह से संबंधित है, ये सवाल आपके लिए बढ़िया बनेगा, उम्मीद है कर ले जाओगे। मैगलन ट्राई करिए सारे नए पुराने बच्चे जो भी क्लास में उपस्थित हैं, जल्दी देखिए बताइए बेटा क्या होगा आंसर आपका। वेरी गुड एवरीवन, जल्दी से ट्राई करिएगा जो भी नए पुराने बच्चे हैं, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, उम्मीद करते हैं आप कर ले जाओगे ध्यान से। जी बिल्कुल सही है आपका आंसर, अगर आया है तो कर जाइए जल्दी से। ए बी सी डी, मैगलन, शनि, बृहस्पति या शुक्र, क्या निकल सकता है, क्या होगा भाई? चलिए सवाल के आंसर की अगर हम बात करें, 3 नंबर आप में से कई सारे बच्चों ने बताया है, और बहुत सारे बच्चों के आंसर आए भी हैं। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? ये भी बृहस्पति ही हो जाएगा, मैगलन अभियान भी बृहस्पति का था, ठीक है? अच्छा, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है?
बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, किसे आप जानते हो, बताएंगे कुछ? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनेमिड। और कोई? थोड़ा उम्मीद से करिए आप लोग सारे लोग। अच्छा, टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है? कितने लोग जानते हैं टाइटन? टाइटन टाइटन किसका उपग्रह माना जाता है? शनि का है, पक्का शनि का है। और कोई? चलिए टाइटन शनि का है तो शनि मान लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं आप में से, वेरी गुड। चलिए और कोई? मान लिया मैंने, मान लिया मान लिया मान लिया, वेरी गुड एवरीवन। चलिए आपने अगर बताया है तो ठीक ठाक है, कई सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं और अच्छा प्रयास है आपका, है ना भाई? चलिए अच्छा एक सवाल आपको और कर जाना। 21 लाइव है, कितने? 21 लाइव है इस टाइम वर्तमान में। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना? सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपके पास जो भी पढ़ने लिखने वाला ग्रुप हो उसमें वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तुरंत एक काम आप लोग कर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर अच्छा, भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? क्लियर करिए जल्दी से। भोर का तारा किसे कहा जाता है भाई? जानते होंगे आप सब, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? चलिए भोर के तारे की अगर हम बात कर लें, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, चाहे भोर का तारा कहिए, चाहे सांझ का तारा कहिए, चाहे सौंदर्य का तारा कहिए, चाहे प्रेम का तारा कहिए, इन सब का उत्तर एक ही है, शुक्र। क्या आएगा भाई? इन सब का जवाब एक ही है, शुक्र। और सबके दिमाग में सेट रहना चाहिए, यहाँ पे आप भूल नहीं सकते। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है धूमेकर लेवी 9। आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल को पहले समझ लीजिएगा। धूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? जल्दी, ये किस ग्रह से टकराया था? जल्दी से कर जाइए फटाफट, जल्दी बोलिएगा ये किस ग्रह से टकराया था। बढ़िया सवाल, ध्यान से। शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, क्या होगा भाई? निकिता, उपासना, वेरी गुड। अमन, अनिकेत, अंजलि, वेरी गुड। और कोई? बढ़िया सवाल है ना, ये बढ़िया सवाल बनेगा। सवाल नंबर 4 के अगर आंसर की बात करें तो बहुत इजी है सवाल यार, आपको करने पड़ेंगे, है ना? इतने इजी सवालों में अगर आप अटक जाओगे तो फिर नुकसानदायक है आपके लिए, है ना? इसका उत्तर भी बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। क्लियर? चलिए एक सवाल आपको और बताना है, कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है? कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है? यानी कि ये देखने उखने में पृथ्वी के जैसा ही दिखता है, सेम टू सेम पृथ्वी, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाएगा? वेरी गुड। और कोई? जल्दी कर जाइए, आप इसके बारे में सब बढ़िया जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अच्छे से ट्राई करिए। विनीता, लेट क्यों आए हो? विनीता जी, लेट क्यों आए हैं आप? चलिए तो यहाँ पर भी आपका आंसर अगर आ गया तो मान लेते हैं, कई सारे बच्चों ने बोला है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया प्रयास है, पृथ्वी की बहन बिल्कुल शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, यस अगला सवाल, सूर्य के गिर्द परिक्रमा करने में मैक्सिमम टाइम कौन लेता है? सबसे लंबा समय इनमें से कौन लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? ये आपके पास आंकड़े होने चाहिए। विवेक, उपासना, अजीत, पागल, वेरी गुड सारे बच्चे, विजेंदर, निकिता। चलिए ये सवाल भी आप सब जानते हैं, मैक्सिमम समय कौन लेता है? बृहस्पति ही तो लेगा, इसमें क्या सोचना विचारना था। इनमें से कौन है जिसको नीला ग्रह कहा जाता है? अच्छा आप अर्पित हैं, चलिए विवेक बहुत बढ़िया। नीला ग्रह किसे कहा जाता है आप सब जानते होंगे, नीले ग्रह के सर नोटिफिकेशन नहीं आया, क्लास में होगी। अच्छा कोई बात नहीं, नीला ग्रह अपनी पृथ्वी को कहा जाता है, क्लियर है? नीला ग्रह जो है वो अपनी पृथ्वी को कहा जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना? यहाँ पर भी आप गलती नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ, ध्यान से। 6 नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में किसका है? अभी हमने बताया है सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है, लेट ना करें आप लोग। सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है, किसके पास है, किसके पास है? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसके पास है? अगर किसके पास ये पूछेगा तो बृहस्पति, अगर कौन सा है तो गैनीमेड। क्लियर है? बिल्कुल सही है, किसके पास है तो बृहस्पति और कौन सा है तो गैनीमेड, क्योंकि ये इसी का है, आप इसके बारे में जानते हैं, है ना भैया? मंजू सैनी, शैलेंद्र, दीपक। अच्छा अभी तक आप लोगों ने वीडियो शेयर नहीं किया है, मतलब
आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, तभी सर आपके वॉइस गला ठीक नहीं है क्या आपका? अच्छा आज कुछ गला ठीक नहीं लग रहा है ना? सही कह रहे हैं आप। चलिए यहाँ पे अगर आपने प्रयास किया है तो ठीक ठाक है, और कई सारे बच्चे यहाँ पे अच्छे से बता पा रहे हैं, आना चाहिए आपका आंसर। चलिए मान लिया यहाँ पे भी आपके उत्तर को अगर आपने दिया है तो ठीक दिया होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में किसके चारों ओर वलय है, छल्ले की बात कर रहा है, किसके चारों ओर छल्ले हैं और ये अपने छल्लों की वजह से फेमस है, इनमें से कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय हैं यानी कि छल्ले हैं और ये अपने छल्लों की वजह से फेमस है, कौन है भाई इनमें से? बृहस्पति, अरुण, वरुण या शनि? बृहस्पति, अरुण, वरुण या शनि, ये आपके पास होना चाहिए, है ना? यहाँ पर भी आप गलती नहीं कर सकते, उम्मीद करते हैं आप इसे कर ले जाओगे। जल्दी करिएगा फटाफट सारे लोग जो भी क्लास में हैं, वेरी गुड एवरीवन, जल्दी से कर जाइए, एक्टिव रहिए और प्रयासरत रहिए। छल्ले किसके तरफ है? शनि के, आप जानते होंगे, यहाँ पे कोई लेट ना करे आंसर करने में, छल्ले मतलब शनि, क्लियर है? चलिए सात के आंसर की बात करेंगे हम, शनि की बात कर लेंगे। अच्छा आगे आने वाले सवाल बहुत कुछ क्लियर करने वाले हैं। सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, जो भी बच्चे जुड़ते हैं वो वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, इससे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, क्लियर? नेक्स्ट आइए अगला, नासा की बात कर रहा है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ए बी सी डी कर जाइए सारे बच्चे। सूरज अब गुड मॉर्निंग हो रहा है तुम्हारा, जल्दी कर जाइए, सवाल बढ़िया बनेगा, आठ नंबर उम्मीद है कर ले जाओगे, है ना? अभी तो बात की है हम लोग इसके बारे में, बृहस्पति के बारे में अभी तो बात किए हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लियर किया गया है, फिर भी आप लोग गलतियां कर रहे हैं, नुकसानदायक है आपके लिए, ध्यान से चले आगे, ध्यान से आइए सारे बच्चे। सौरमंडल के सबसे उपग्रहों में एक टाइटन निम्नलिखित में से किसका है? टाइटन तो आप जानते हैं किसका है ना, टाइटन किसका है? सबसे बड़े उपग्रहों में इसका नंबर भी आता है और ये गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, गैनीमेड के बाद इसे दूसरे सबसे बड़े उपग्रह के रूप में आप देखते हो, नाम है इसका शनि, क्लियर? ये किसका है? शनि का उपग्रह, नाम क्या है? टाइटन, दिमाग में सेट कर लेना, भूलने का प्रयास ना करना। सारे लोग जो भी क्लास में हैं वो ध्यान रखेंगे, इसे गलत नहीं करेंगे आप लोग। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को बेटा? मेरा क्वेश्चन आपके पास क्लियर नहीं आ रहा है क्या? क्यों, क्वेश्चन क्लियर नहीं है क्या? है ना? चलिए फिर नेक्स्ट आइए अगला सवाल, दस नंबर, शनि ग्रह क्या है? इनमें से शनि ग्रह जो है वो कैसा है? प्लूटो से गर्म है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है या जुपिटर से गर्म है? इसे देखिए और ट्राई कर जाइए, सारे नए पुराने बच्चे इसको देखें और प्रयासरत रहें। सवाल नंबर 10 है, बहुत बढ़िया सवाल रहेगा, उम्मीद है आप कर ले जाओगे। जी हाँ, नेपच्यून से गर्म है ये, कैसा है? नेपच्यून से गर्म। तो अगर आपने कुछ ऐसा प्रयास किया है तो आपकी बातों को सही मान लिया जाएगा, ये जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, ये आंकड़े आपके लिए जरूरी हैं, क्लियर है? तो इसे फिलहाल दिमाग में रखें, और अगर आपने बोला है तो आपके लिए अच्छी बात है, आना चाहिए, है ना? नेक्स्ट आ जाइए अगला सवाल, शनि ग्रह को सबसे पहले किस खगोल शास्त्री ने देखा था? शनि ग्रह को सबसे पहले किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो, कॉपरनिकस, टॉलमी या कैपलर? इसे आप सब कर जाएं जल्दी से। शनि ग्रह को सबसे पहले किस खगोल शास्त्री के द्वारा देखा गया था? गैलीलियो के द्वारा, कॉपरनिकस के द्वारा, टॉलमी के द्वारा या कैपलर के द्वारा? जल्दी से कर जाना, बहुत बढ़िया प्रयास है ना, आप इसे कर ले जाओगे। जी हाँ, गैलीलियो के द्वारा, किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा, इसे सेट कर लेना दिमाग में, बोलना नहीं कोई लोग, जो भी बच्चा क्लास में आया प्रयासरत रहे जल्दी से। 42 लाइव आ चुके हो, कितने? 42 लाइव आ चुके हो, लेट क्यों होते हो आप लोग? 46 कितने आ चुके हो? 46। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, आपकी अटेंडेंस लगनी चाहिए, वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस पहले लगा लो, सारे लोग, सारे लोग जल्दी से लाइक, हाँ जितना जल्दी लाइक करोगे उतना जल्दी आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, तो काम कर लीजिए जल्दी सारे लोग, क्लियर है? अच्छा, ग्रहों की गति के नियम इनमें से किसने दिए? ग्रहों की गति के नियम इनमें से कौन दिया?
कोई जानता है आप में से? ग्रहों की गति के नियम, वेरी गुड, चलिए जी हाँ, कैपलर के द्वारा दिए गए। और ग्रहों की गति संबंधी जो नियम दिए गए ना, वो कैपलर ने कितने नियम दिए? 3 नियम दिए, बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपकी जानकारी में होने चाहिए। अच्छा, गति संबंधी नियम किसने दिए बेटा? गति संबंधी, केवल गति की बात किया जाए तो गति संबंधी नियम किसके द्वारा दिए गए? गति संबंधी नियम दिए किसने? वो नियम दिए थे न्यूटन ने। और जो नियम दिए कैपलर ने, वो बारे में हम बात कर चुके हैं आपको, इससे पहले भी मैंने एक बार बताया है। इनके जो 3 नियम थे वो कुछ ऐसे थे। पहला नियम अगर हम देखें, फर्स्ट वाला नियम क्या था जो कैपलर ने दिया, अगर उसकी बात किया जाए तो इन्होंने बोला था कि ग्रह को, समझ लीजिएगा, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। पहला रूल क्या था? ग्रह को जोड़ने से, समझ लीजिएगा भैया सारे लोग, पहला रूल इनका ये है, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। और इनका दूसरा रूल क्या था कैपलर का? कैपलर के अगर सेकंड रूल की हम बात करेंगे, इनका सेकंड रूल ये था, ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष घन के समानुपाती होता है। ये इनका दूसरा रूल था। अब तीसरे रूल की बात कर लें, इन्होंने तीसरा नियम क्या दिया? तो इनका तीसरा नियम ये था, किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे आनुपातिक होता है। तो ये इनके फर्स्ट सेकेंड थर्ड रूल थे जो आपको मालूम होने चाहिए, और ये बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, इन्हें आप ध्यान भी रखोगे। क्लियर है? भूलने का प्रयास ना करना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये रूल बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके पास होने चाहिए। क्लियर है? चले आगे, अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो जानकारी यहां पर फिलहाल आपके पास होना चाहिए और इन्हें आप भूलोगे नहीं, है ना। चलिए अगला सवाल ध्यान से फटाफट। अब बताओ, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर ग्रह कौन सा माना जाएगा? वो कौन सा है जिसे आप सबसे दूर देखते हो? जल्दी बताना, ए बी सी डी। नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह आप किसे मानोगे? जल्दी बोल जाइए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस या प्लूटो। जल्दी से कर जाइए सारे नए पुराने बच्चे। 57 लाइव हो, कितने लाइव हो? 57, और सबने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर तक नहीं किया। क्या यार आप लोग क्या करते हो? 60 लोग लाइव हो चुके हो, कितने? 60, और अभी तक आपने ना वीडियो को लाइक किया है ना अपनी अटेंडेंस लगाई है। तो जितना जल्दी वीडियो को लाइक करोगे उतना जल्दी आपकी अटेंडेंस लगती है। और सबसे पहला काम तो आपको ये कर लेना है, वीडियो को शेयर कर देना, ध्यान रखेंगे। भैया क्या नाम है? दीपक कुमार साह, डिस्टल, भरत, करणदीप, माया, राजनाथ, निकिता, दीपक, विनीता, तुलसी, निकिता, राजू, यस, मंजू, वीडियो शेयर करो बेटा फटाफट जल्दी से। अननोन, विनय, विजय, सारे लोग वीडियो शेयर करते रहे फटाफट, ध्यान से, लेट ना करिए आप लोग। मयूरी, आप भी, सुजीत, अमन, गोपाल, मीना, ओम स्टडी पॉइंट, कामिनी साहू, राजीव, विनीता, आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिए और लाइक तो आपको करते ही रहना है ना। मैंने लाइक और शेयर कर दिया, अच्छा कर दिया है ना। चलिए, नंगी आंखों से आप किसे देख सकते हैं? अब सवाल नंबर 12 पे हम लोग आते हैं, अपने पुराने सवाल को रिपीट करेंगे। तो सबसे हल्का ग्रह भी यही है, शनि महाराज की बात कर रहे हैं, शनि देवता की बात कर रहे हैं। और ये जो ग्रह है, आप इसे ध्यान से, सारे लोग, बढ़िया सवाल बनेगा और आप इसके लिए कर सकते हो, है ना भैया। चलिए अगला महत्वपूर्ण सवाल आपको देखकर बताना है, ध्यान से कर जाएंगे सारे लोग, बढ़िया सवाल है, कोई गलती नहीं करना। नेक्स्ट बढ़िया सवाल, शनि ग्रह के चारों ओर वलय कितने हैं, मतलब छल्ले कितने हैं? शनि ग्रह के जो छल्ले होते हैं बेटा, जो वलय होते हैं, वो कितने होते हैं? इन्हें कर जाइए जल्दी से सारे लोग, नए पुराने जो भी जुड़ते हैं, लेट मत किया करिए आप लोग, है ना, शर्म बिल्कुल ना करें। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलय कितने हैं? तो इन वलयों की संख्या 10 है। कितनी है? 10, और आप इन्हें दिमाग में सेट कर लेना, कितनी है बेटा? 10, मतलब 10, ध्यान रखिएगा, भूलने का प्रयास तो ना ही करें आप लोग। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलय यानी कि छल्ले 10। नेक्स्ट आ जाइए, अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? वही सवाल आ गया, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह किसे कहेंगे आप? अरुण, वरुण, पृथ्वी, शनि। अरुण, वरुण, पृथ्वी, शनि, ए बी सी डी, क्या होगा आंसर? जल्दी कर जाइए, नए पुराने जो भी जोड़ते हैं जल्दी से कर जाइए सारे लोग, बिना टाइम वेस्ट किए। कौन सा होगा? यहां पर भी हम शनि की ही बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे? शनि की। ये आपके पास आंकड़े होने चाहिए। अच्छा, एक और सवाल आपको बताना है ध्यान से, इनमें से कौन सा ग्रह है जो सबसे अलग है? इनमें से कौन सा ग्रह है जो अन्य तीनों से अलग है? तो उस अलग वाले की पहचान आपको कर जानी है।
भाई कौन है जो अलग है बेटे? आप किसे अलग कहोगे? आप अरुण को कहोगे, वरुण को कहोगे, पृथ्वी को कहोगे या शनि को कहोगे? चलिए, तो यहाँ पे दोनों प्रकार से पृथ्वी अलग है, दो तरीके से है जिन्हें आप ग्रहों को बांटते हो। पहला गैस दानव ग्रह, जिसमें आपके कौन कौन से आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। दूसरा जीवन की संभावना भी आपको जहां पर दिखेगी वो भी आपका पृथ्वी है। क्लियर? तो आप दो तरीके से कर सकते थे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन थे और आप इन्हें बड़े प्यार के साथ करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो जानकारी रखिए और प्रयासरत रहिए, तभी आपका फायदा है वरना नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी कि सेकंड नंबर पे कौन आता है? जल्दी से, वेरी गुड, सेकंड नंबर पे कौन आता है? जल्दी कर जाइए नए पुराने बच्चे जो भी जुड़ते हैं, वीडियो को लाइक पहले कर दिया करिए, है ना? वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड बेटा, चलिए बहुत बढ़िया प्रयास है अगर आपने बोला तो। अर्पित है ना भैया? चलिए सवाल अच्छा बनेगा, यहाँ पे आपका शनि हो जाएगा। आप जानते हैं बृहस्पति के बाद अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट पे बृहस्पति आता है और सेकंड नंबर का जो ग्रह है वो आपका शनि ही है, तो आप शनि को ऐसे छोड़ नहीं सकते, है कि नहीं? शनि को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं वरना नुकसानदायक है, नुकसान कर जाएगा आपका। वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग, सारे लोग नए पुराने जो भी जुड़ते हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करते रहेंगे, तभी आपका फायदा है। चलिए हो गया, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। अगर आपने प्रयास किया या बताया है तो ये आपके लिए बेहतर है, आप इसे कर सकते हो, प्रयासरत रहें आप लोग, है ना? नेक्स्ट आ जाइए अगला सवाल, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह किसे कहोगे आप लोग? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, वही सवाल आ गया ना, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, जल्दी बोल जाइए जल्दी से सारे लोग। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, एटलस, टेलेस्ट्रो, लापेटस, क्या हो जाएगा? हर बच्चे को जानकारी है, बच्चा बच्चा इसके बारे में तैयार है। क्या हो जाएगा भाई? टाइटन, क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान सवाल था, टाइटन। अगर आपने टाइटन बोला है तो आप सही हैं। नेक्स्ट आइए बेटा अगला सवाल, निम्न में किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? वही सवाल आ गया ना, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं, यानी कि छल्ले हैं? ए बी सी डी, किसके चारों ओर वलय हैं, किसके चारों ओर छल्ले हैं? जल्दी ए बी सी डी क्या होगा? ऐसे गलतियां तो ना करें कम से कम। किसके चारों ओर छल्ले हैं? तो छल्लों की जब भी बात की जाएगी आपके दिमाग में एक सवाल बन जाता है, किसका? शनि का, क्योंकि 50 बार तो इस पे हम लोग बात कर ही चुके हैं, 50-60 बार इस सवाल पे तो हम लोग बात कर चुके हैं, तो यहां गलती की कोई संभावना बननी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट आइए, यूरेनस की खोज किससे के द्वारा की गई थी? ध्यान से, यूरेनस की खोज किसने करी थी? बहुत बढ़िया सवाल बनता है। 18 माया, नए बच्चे आप में से जो भी आए न्यू, वो वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देंगे जो भी नया आया है। क्लियर है? चलिए शनि महाराज, यूरेनस की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए बी सी या डी, किसने यूरेनस को खोजा? ये सवाल बहुत आसान है, आप इसके बारे में बढ़िया जानते हैं। नाम हो जाएगा विलियम हर्सेल। क्या नाम है? विलियम हर्सेल। अच्छा तीन सवाल और, इनमें से कौन है जिसने दूरबीन खोजा? इनमें से कौन है जिसने दूरबीन खोजा? तो दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो कहे जाते हैं। कौन? गैलीलियो, आप इनके बारे में बेहतर जानते हैं। अच्छा इनमें से कौन है जो सौरमंडल का पितामह कहलाता है, यानी कि सौरमंडल किसके द्वारा खोजा गया? चलिए प्रयास करिए, उत्तर हो जाएगा कॉपरनिकस। क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस। बहुत बढ़िया सवाल है, आपके पास आंकड़े होने चाहिए। अच्छा एक और सवाल, इनमें से कौन है जिसने बताया कि सारे जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, किसने बोला? तो ये बोला था हमारे कैपलर साहब ने। किसने बोला था? ये हमारे कैपलर साहब थे जिनके द्वारा इस बात को प्रमाण माना गया या जिनके द्वारा इस बात को बोला गया। ये आसान बढ़िया सवाल बनता है, उम्मीदें कर ले जाओगे। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? सबसे ज्यादा गैसों से घिरा हुआ ग्रह इनमें से आप किसे मानते हो? जल्दी बताइएगा, लेट ना करें आप लोग, और सबका आंसर कंपलसरी है। बृहस्पति, प्लूटो, यूरेनस या वीनस, कौन सा ग्रह है सबसे ज्यादा गैसों से घिरा हुआ है? आप इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं और नया बच्चा जो भी क्लास में है वो ट्राई करता रहेगा। क्या उत्तर होगा? यूरेनस। क्या हो जाएगा भाई?
यूरेनस, और ये आंकड़े भी आपके पास सेट होने चाहिए, यहां पर भी आप गलतियां नहीं कर सकते। यूरेनस जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ माना जाता है, क्लियर। अच्छा, इनमें से कौन है जिसे 2006 में ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया था? कौन है जिसको 2006 में ग्रहों की सूची से बाइकॉट कर दिया गया था? नए बच्चे जो भी आए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप में से जो भी न्यू बंदा है, जो भी नया है, वो वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा सकता है, ठीक है? तो सारे लोग ये काम जरूर कर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। वेरी गुड सुजीत, मंजू, राजू, माया, प्रमोद, यस। निकिता, दीपक, पागल, रंजन, यस। चलिए, तो यहां पर भी मैंने आपकी बातों को मान लिया। प्लूटो, किसको? प्लूटो को जो है वो बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट आइए, यूरेनस के पास कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के पास कुल कितने उपग्रह हैं? ध्यान से कर जाइए, जो भी नया पुराना आया, यूरेनस के पास कुल कितने उपग्रह हैं? वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। यूरेनस के पास, हाँ बिल्कुल बढ़िया। पूजा, विवेक, मिंकू, विनय, यूरेनस के पास कुल कितने उपग्रह हैं? यहाँ पे आप गलतियाँ नहीं कर सकते, है ना? 27 है, कितने? 27, ध्यान रखेंगे। 27 किसके पास? यूरेनस के पास। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा इसके पास कितने, आप क्या बताओगे? 27, याद रखिएगा, 27, क्लियर है? तो ये आंकड़े भी आपको दिमाग में सेट रखने हैं, इन्हें भी आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से आपको कर जाना। जो बच्चे क्लास में हैं वो प्रयासरत रहेंगे। अब बताओ सबसे पहले किस, समझना ध्यान से, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा इस बात को प्रमाण दिया गया कि आपकी जो पृथ्वी है वो गोल है? ए बी सी डी, जल्दी बोलिएगा ध्यान से, कितने लोग यहाँ पे जानते हैं? जल्दी से, ए बी सी डी, किसके द्वारा सबसे पहले यह सिद्ध किया गया कि पृथ्वी गोल है? गैलीलियो, न्यूटन, पाइथागोरस या मैगलन? थोड़ा स्पीड पकड़ के करिए, तभी मजा आने वाली है। थोड़ा स्पीड पकड़ लीजिए आप लोग, सारे लोग जो भी क्लास में जुड़े हैं। चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं ए, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी। क्या होगा भाई? ए पक्का है? सबका आएगा नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब तक सबका नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। वेरी गुड, अगर आपने बोला है तो बिल्कुल सही बोला, ए ए वाले बच्चे यहाँ पे करेक्ट है, मान लिया जाएगा आपका उत्तर, है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही है, ए ए ए ए ए, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितना परसेंट भाग पे मेंटल पाया जाता है? जल्दी बोलिएगा फटाफट, ये आपके लिए बढ़िया सवाल बनेगा, उम्मीद करते हैं कर ले जाओगे। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने परसेंट भाग पे मेंटल पाया जाता है? लेट नहीं कर सकते आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं और आपके लिए जरूरी भी होते हैं। जल्दी बोलिएगा कितने परसेंट भाग होगा? ए बी सी डी, बिना लेट किए, है ना? बिना लेट किए आपके आंसर आने चाहिए, बिना लेट किए, बिना इंतजार कराए। कोई है जो बताना चाहता है? कोई है जो कुछ कहना चाहता है? चलिए, लगभग 68 पर, क्या होगा? लगभग 68%, 68%, क्लियर है? ये आंकड़े भी आपको रखने पड़ेंगे, इन्हें भी आप भूल नहीं सकते, समझ गए? चले आगे, अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ बढ़ेंगे ध्यान से, और चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, आपको करना पड़ेगा, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाइए, अगला महत्वपूर्ण सवाल, सारे लोग लाइक और शेयर कर दें, जो भी नया बच्चा आप में से आया है, जो भी न्यू बच्चे आए हैं वो वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सारे लोग जो भी नए हैं जल्दी कर जाइए, लगभग लगभग 70% होगा, क्लियर है? ये आंकड़े आप लोग रखिएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ ध्यान से, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी नारंगी के समान है? सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी नारंगी के समान है? जल्दी बोलिए ध्यान से, बिना टाइम वेस्ट किए, ए बी सी डी, तेज कमेंट आपके आने चाहिए जल्दी से। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी नारंगी के समान है? बिना टाइम वेस्ट किए, बिना लेट किए, जल्दी कर जाइए सारे लोग, जो भी क्लास में हैं वो ट्राई करेंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? भैया सारे लोग कर जाइए, ए बी सी डी। चलिए, न्यूटन के द्वारा कहा गया था, किसके द्वारा?
न्यूटन के द्वारा इस बात को प्रमाण दिया गया था कि आपकी जो पृथ्वी है वो नारंगी की तरह है। किसकी तरह है? नारंगी की तरह। और आप इसे भूलोगे नहीं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, कोशिश करिए कि आप हमेशा इसे याद कर पाए, भूलने का प्रयास ना ही करें तो बेहतर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, ध्यान से। अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले 2 मिनट आपको हमारी बात ध्यान से सुननी है, कोई जाएगा नहीं पहले सुनेंगे आप लोग। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन जो आपको दिख रहा है इसको दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग अनअकैडमी प्लस जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज मिलने वाले हैं, बहुत सारी डाउट क्लियरिंग क्लासेस, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ आपको मिलेगी, स्टडी मटेरियल, तो हर चीज़ फ्री मिलेगा अगर आप लोग प्लस ज्वाइन करते हैं तो। दूसरी बड़ी बात, इंडिया के टॉप फैकल्टियों से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, जो भी एजुकेटर आप देख पा रहे हैं आप उनसे पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पे अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट के आपको कोर्स भी मिलेंगे और आप इन कोर्स के फायदे भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट आइए बेटा, हर हफ्ते हम लोगों के बैच भी लॉन्च होते हैं, हर हफ्ते हम लोगों के जो है वो बैच भी लॉन्च होते हैं, तो आप इन बैच से भी पढ़कर अपना जो है सिलेक्शन मौजूद कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा ये वाईफाई स्टडी की टीम भी हमारे पास है, तो वाईफाई स्टडी की टीम का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। क्लियर है? चलिए तो बाकी प्लस आपको लेना कैसे, मेरा कोड आपको यूज़ करना है, ये कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपके लिए डिस्काउंट मैक्सिमम हो जाएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा कितना परसेंट है? अब बताओ बेटा जल्दी, सारे लोग यहाँ लेट ना करें और आंसर करते रहें जल्दी से, जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं जल्दी कर दिए सारे लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने परसेंट है बिना टाइम वेस्ट किए? एक एक बच्चे का आंसर कंपलसरी आना चाहिए, जब तक आएगा नहीं हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, जब तक आएगा नहीं हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में लगभग लगभग 60 से 61% क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर आपके लिए सही है अगर आपने ये बोला है तो, 60 से 61% ये जानकारी होना चाहिए आपके पास, गलतियां नहीं कर सकते आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं और ऐसे सवाल अगर आप गलत करते हैं तो नुकसान आप ही का है। क्लियर है? सारे बच्चे नए पुराने जो भी जुड़ते हैं वो ध्यान रखेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए अगला सवाल ध्यान से, पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर जल का परसेंटेज कितना है? अब बताओ बेटा पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर, सबके आंसर तेज आने चाहिए, हाँ बिल्कुल तेज, पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर जल की मात्रा कितने परसेंट है? आपके लिए बढ़िया सवाल बनेगा, ध्यान से कर जाना, यहां पे आप प्रयास कर सकते हैं 61, 81, 70 या 90, 61, 81, 70 या 90, जल्दी सारे लोग कर जाएं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए, क्या होगा आंसर? पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर जल की मात्रा कितना प्रतिशत है? हो गया तो इम्पॉर्टेंट है भैया, अगर आपके पास आइडिया है तो आपका आंसर लगभग सही हो जाएगा, है ना, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, क्या होगा भाई? ए बी सी या डी, 61, 81, 70 या 90, बिल्कुल सही बोला है अगर आपने 81 बोला है तो, करेक्ट आंसर आपका आया है अगर यहाँ पे 81 निकल के आ रहा है तो। ठीक है भाई, ये जानकारी आप लोग रखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनेगा। ठीक है भैया आगे बढ़ें, अब आपको ये बताना है इस संसार में पृथ्वी पर कुल कितना स्थल मंडल है? इस संसार में समझ लीजिएगा सारे लोग, बढ़िया सवाल बनेगा, गलती नहीं करने वाले, इस संसार में पृथ्वी पर कुल कितना स्थल मंडल है? इस संसार में पृथ्वी पर कुल कितना स्थल मंडल है? बढ़िया सवाल कर जाइए सारे लोग नए पुराने जो भी जुड़ते हैं, 29%, कितना? 29%, क्योंकि जानते हैं बाकी सारा क्या है वो जल है, तो अगर आपने 29% बोला है तो आपकी बातें जो हैं वो सही हैं, या आपके पास होना चाहिए सही आंसर। नए बच्चे जो भी क्लास में जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, जो भी नया बच्चा आप में से आया है वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करता रहे, है ना गोपाल? ये बढ़िया सवाल बनेगा, ध्यान से चले आगे। हाँ भाई नेक्स्ट आइए अगला सवाल ध्यान से, अब आपको ये करना है भाई, इनमें से पृथ्वी की किन चट्टानों में खनिज तेल पाए जाते हैं?
ध्यान से कर दे सारे लोग, इनमें से पृथ्वी की किन चट्टानों में खनिज तेल पाए जाते हैं? जल्दी कर दे सारे लोग, नए पुराने जो भी जोड़ते हैं। इनमें से पृथ्वी की किन चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है? सारे बच्चे कर जाइए, जो भी नए पुराने जोड़ते हैं, सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। आग्नेय चट्टान, क्या होगा आंसर? क्या होगा भाई? चलो बिल्कुल सही, औसादी चट्टानों में। कहां पे? औसादी चट्टानों में जो आपको है वो खनिज तेल दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो यहां पर भी आप गलतियां नहीं करने वाले, और ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल बनता है। सारे बच्चे जो भी नए पुराने जोड़ते हैं वो कर जाएंगे, एक्टिव रहेंगे, है ना? हाँ, औसादी सही, अगर आपने औसादी बोला है तो। और काफी बच्चों के आंसर निकल के आ गए हैं, वेरी गुड एवरीवन। चलो मान लेते हैं भैया, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए होना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही सवाल रखते हैं हम लोग, है ना? आज के लिए इतने ही सवाल रखते हैं। कल आपको क्या पढ़ के आना है? सारे बच्चे कल क्या पढ़ के आओगे आप लोग? ठीक है, आज हम लोग इतने सवाल करते हैं, और कल आपको क्या पढ़ के आना है? कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के आने हैं, जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, है ना भाई? ध्यान रखेंगे सारे लोग, नए पुराने जो भी जुड़ते हैं, कल क्या पढ़ के आओगे? चलिए, कल आपको पढ़ के आना, जानते हैं क्या? कंपनी और उनके सीईओ पढ़ के आने हैं, प्रमुख कंपनी और उनके सीईओ पढ़ के आने हैं। क्लियर? कल आपका इसका टेस्ट होगा, समझ गए? प्रमुख कंपनी और उनके सीईओ, इसे आप पढ़ के आएंगे, और यही आपको करना होगा, इसी का हम लोग कल टेस्ट करेंगे। क्लियर? फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, ठीक है भाई? सारे लोग को बाय बाय बेटा, नमस्कार, धन्यवाद।